हेलो फ्रेंड्स अपने लोग से एसाम फार्मा यूट्यूब चेनेल मोर नाम से प्रियांकु चौधरी आज मैं तामुलपुर एन छागली फार्म चाब आई तो छागली फार्म की ब्रीड आसे सकोबूर चम तो आहक वीडियो तो आरम्भ करूँ। भैया आज आपके फार्म में आया था तो आपका परिचय दे दीजिए और आपका फार्म कहाँ पर है एग्जैक्ट वो भी बता दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार राय है और मेरा फार्म तामुलपुर में पड़ता है, तामुलपुर से गांव कालेंगपर बोलता है, कालेंगपर सो। दीपक जी आपके पास कौन सा ब्रीड है अभी? मेरा पास अभी सिरोही है, एक ब्रीडर है सिरोही का। कौन सा देखा ये वाला सामने ये सिरोही का ब्रीडर है। अच्छा लाइफ वेट इसका 84 किलो था, मैंने 4 मंथ हो गया लेके आया। हाँ। राजस्थान से लेके आया था मैंने। हाँ। तो अभी ये तो 100 केजी पार गया होगा। हाँ, अभी 100 केजी क्रॉस हो गया है, प्लस है। अच्छा तो कौन कितना दांत में है अभी वो? ये 4 दांत है और 2 दांत होगा और 1 ईयर इसको रख सकता है और कोई अपना फार्म का यूज करने के। अभी दाना खा रहा है इसका, वजह से ये बदमाश कर रहा है। हाँ। इसका अभी देखो दांत 4 दांत हो चुका है, 4 दांत आ चुका है इसका। अच्छा और 2 दांत आएगा, मतलब 1 ईयर इसको यूज कर सकता है फार्मिंग के लाइन पे। और ये कौन सा ब्रीड है? ये सिरोही है, अभी सिरोही है। ये ब्लैक कलर ब्लैक स्पॉट में है, ब्लैक है इसका। देखो इसका वेट कैसे होगा, पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं कि वेट इसका मतलब 30 के एबोव भी होगा इसका भी वेट। 30 और ये कौन सा वाला है? ये गुजरी है, इसको गुजरी बोलता है। गुजरी। हाँ गुजरी। ये महाराष्ट्र और ए प्लस ए ब्रीडर है, छोटा है। हाँ। महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का ये व्हाइट वाला चला गया। इसको बिटेल बोलता है। हाँ। ये बिटेल है, ये फीमेल है। हाँ। क्रॉस हो चुका अभी। हाँ। ये क्रॉस हुआ और कितना दांत में है अभी? ये इसका दांत नहीं निकला अभी, दांत ही नहीं है। देखो दांत ही नहीं है, बच्चा है, 1 ईयर भी नहीं हुआ इसका। तो बच्चा मतलब अभी क्रॉस भी हो गया अभी? हाँ, फर्स्ट क्रॉस है। फर्स्ट क्रॉस है। अच्छा फ्रेश है, फर्स्ट क्रॉस है। हाँ। ये कौन सा ब्रीड है? ये एक बच्चा है इसका, ये भी सिरोही है। सिरोही इसका बच्चा कहाँ है, लेके आ दो। ये प्रेग्नेंट मतलब बच्चा दिया है अभी? बच्चा दिया इसका, बच्चा इधर में दिखा रहा हूँ। कितने दिन का बच्चा है अभी? ये 7 डेज का है। 7 डेज का। बहुत हेल्दी है इसका देखो। हाँ वो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है हमारा लोकल गोट से। तो अभी बोलने से 4-5 महीने में इतना बड़ा गेन करता है ये। हाँ। सिर्फ 7 डेज का है। हाँ। अभी दाना कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ दूध खा रहा है। हाँ, हाँ। इसका मम्मी का इसका और ये कौन सा ब्रीड है, व्हाइट और ब्राउन वाला? ये गोल्डन व्हाइट है। ये देखो ये भी बिटेल बोलता है इसको, बिटेल। इसका दांत अभी तक निकला नहीं है, ये 50 प्लस होगा। 50 केजी प्लस, दांत ही नहीं है। देखो दांत ही नहीं निकला अभी, दांतोला होना ऐसा, दांत ही नहीं, दांत ही टाव नहीं। और ये कौन सा वाला? ये अभी दिखाया था आपको मैंने, फीमेल है बिटेल का और ये प्रेग्नेंट है, 1-2 दिन में बच्चा देगा। सिरोही है, इसका सींग नहीं होता, सिरोही इसको मुंडा है, मुंडन बोलता है। ये मुंडा नहीं है, यहाँ आ नहीं रहा है, ये प्रेग्नेंट है देखो। हाँ। थन गिर चुका है, दूध कितना बड़ा है। हाँ। अभी बच्चा देगा, 1-2 दिन में दे देगा। हाँ। और ये क्या है, ये भी प्रेग्नेंट है क्या? ये प्रेग्नेंट है सिरोही, एक बच्चा दे चुका था उधर। अच्छा। इसका बच्चा दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा। अभी दिखा रहा हूँ ये प्रेग्नेंट भी हो गया है अभी, प्रेग्नेंट भी हो गया। अच्छा 1 मंथ का बच्चा है, 1 मंथ मतलब 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने का बच्चा है, 1.5 महीने का बच्चा है देखो। अच्छा मेल है, क्रॉस हो गया है 3 बार देता हूँ, ईयर में 3 बार क्रॉस होता है सिरोही। अच्छा। ये 3 बार होता है, बिटेल 1 साल में 2 बार होता है। तो बहुत अच्छा है, सिरोही 3 बार देता है। अच्छा अच्छा तो अच्छा है, 1.5 महीने का बच्चा है, 1.5 महीने का बच्चा है। अच्छा ओके। और ये क्या है, कौन सा ब्रीड? ये भी सिरोही है, ये भी सिरोही है। ये अभी गिल्ड है, क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा ये फ्रेश है। अच्छा और ये और एक है यहाँ पर, ये आपको दिखाया था मैंने, ये भी मैंने सिरोही बोला। और ये भी ब्रीडर है, थोड़ा बीमार था अब थोड़ा ठीक हो गया। हाँ। ये भी ब्रीडर है सिरोही है। सिरोही। और एक मुंडन है, सिंग नहीं होता इसका। देखो मुंडन का मतलब कैसे पहचाना में आता है, इसका सिंग नहीं होता देखो। हाँ, सिंग नहीं, नहीं होता है। एक प्रेग्नेंट है, बच्चा देगा, ये तो टाइम लेगा 1 मंथ लेगा ये। अच्छा ये और एक ब्रीडर है क्या? और एक छोटा ब्रीडर है अपना। ये कौन सा ब्रीड है? सिरोही है बट क्रॉस है गुजरी का साथ। इसका कान थोड़ा लेंथ छोटा होता है, क्रॉस है ये गुजरी का साथ, क्रॉस है सिरोही। ओके दीपक जी क्या खिलाते हो आप? मैं बकरे को सुबह मॉर्निंग टाइम में देता हूँ, इसको मकई बोलता है, मकई, मक्का, मक्का, मकई को हमारा खोमियत मक्का। ये टू इसमें चापर मिक्स करके देता हूँ। हाँ। यहाँ पर 20 बकरी के लिए कम से कम 2 केजी समथिंग मिलाता हूँ चापर मकई को। हाँ। नमक डालता हूँ उसमें। हाँ।
तीनों चीज को मिक्सिंग करता हूँ हाँ। उसके बाद टप में इसमें दे देता हूँ पूरा सारे को सारे को हाँ। मतलब फीड में रहता है आपका मक्का और चापर छापर और नमक दे सकते हो अगर आपका है पैसे ज्यादा हाँ। अगर जल्दी ग्रोथ और बढ़ना है अभी देखो मेरा चाना देते हो हाँ। इसका ग्रोथ कितना अच्छा हुआ देखो कितना ग्रो है अभी दूसरे फार्म में देखना उसका बॉडी कैसे मतलब खिलाता नहीं अच्छा खिलाने को डिपेंड करता है अब सुबह टाइम में मक्का चापर दे देता हूँ उसके एक घंटे बाद में गुड़ का पानी मिक्स करता हूँ गर्म पानी में गुड़ मिक्स करके दे देता हूँ उसके बाद में देखो आप इधर में दुनिया भर का पड़ा है इसको पत्ते का वो है पत्ता देता हूँ पत्ता में आप दे सकते हो पत्ते में आप देख सकते हो पाखरी का घास दे सकते हो आम का दे सकते हो और गामारी और सब मतलब पत्ते में जितना भी ऊपर में है हाँ। सब खाता है सिर्फ ये आउटेंगा का नहीं खाता आउटेंगा छोड़ के सारे खाता है, खाता है। और जो ब्रिटेल भी दे या सिरोही है वो खैर भी खाता है हाँ, तो खेर आप खैर भी देते हो क्या मैंने आज तक खैर यूज नहीं किया बोलता है आदमी लोग खाता है हाँ। बट खैर में रहता क्या है कुछ भी नहीं रहता दे सकते हो मिक्स कर दाना में आदत करना पड़ेगा मैंने नहीं दिया अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा कम है सेल का पर्पज में रखा हूँ अभी खैर का देखिए बॉडी कम हो जाएगा बोल के नहीं खिला रहा हूँ खैर खिला सकता है छोटा छोटा काटने काट के और चापर के साथ मिक्स करके खैर यूज कर सकता है हाँ। तो उनको एक बकरे को एक दिन में कितना राई दाना देना पड़ता है एक बकरे को मेरे हिसाब से 100 ग्राम खाता है पर डे राई दाना उसके बाद में आप पत्ता उसका पेट का हिसाब से देख लेना पेट जब फूल गया मतलब पत्ता कम्प्लीट खा चुका है हाँ। ऐसे दाना का पर्पस और कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो क्या आप बॉडी ज्यादा टेम्परेचर हो बुखार से मतलब पता चले दाना कुछ भी नहीं खा रहा दो दिन तीन दिन हो गया हाँ। तब उसको मैनोलेक्स प्लस देना चाहिए हाँ। प्लस वो प्लस देने के साथ साथ दाना आपको दो तीन घंटा में खाना शुरू कर देगा हाँ। अगर उससे भी ज्यादा हो अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो वेटनरी का आप कंसल्ट करके आप वेटनरी सर को आगे दिखा सकते हो या पूछ सकते हो मरने का डर नहीं है मरता नहीं ऐसे इसका स्ट्रांग रहता है हमारे लोकल से ज्यादा इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहता है इतना जल्दी नहीं मरता है और आपको ठंडा से सिर्फ बचाना है जो मिट्टी में नहीं सा ना सो या कहीं कार्ड भी सा दो बस इतना मेंटेन करने से मेडिसिन में और ऐसे कोई टॉयलेट ऐसे बाहर का टॉयलेट आ गई टॉयलेट हाँ। कर रहा है हाँ। तो इंसान का दवाई है टॉयलेट का हाँ। वो दवाई कूट के हाफ खिला देने से टॉयलेट भी अच्छा हो जाता है अच्छा। तो ये दोनों है और पीपीआर अच्छा। मैंने सारे को मारा हूँ पीपीआर जो इंजेक्शन बोलता है पीपीआर और एफएमडी ईटी अभी मिला नहीं है वर्तमान देख रहा हूँ और ईटी नहीं मारा बाकी सारा वैक्सीन किया हुआ है पीपीआर तो 2 ईयर्स तक कोई टेंशन नहीं पीपीआर वैक्सीन किया हुआ है अच्छा दीपक जी पीपीआर आप कहाँ से लिया पीपीआर मैंने यहाँ बहुत ढूंढा अपना तावलपुर में तो मिला नहीं और रंगिया में भी मिला नहीं बरपेटा में पूछा किसी के पास नहीं है फिर मैंने गुवाहाटी से लेके आया एक बड़ा फार्मेसी है वहाँ कांटेक्ट किया मैंने वेटरनरी से कंसल्ट किया उसके बाद मैंने गुवाहाटी से लेके आया अब अगर पीपीआर किसी का जरूरत हो मेरे पास अभी है मैंने 5 पीस लेके आया था अभी 1 पीपीआर का 470 लेता है 477 और एक पीपीआर 100 ml का रहता है आप 100 जानवर पे लगा सकते हो अच्छा। मतलब एक पीपीआर 100 जानवर पे लगा सकते हो 10 रुपए भी नहीं पड़ता है एक जानवर पे अगर अंदाज करे तो हाँ हाँ। 100 जानवर पे लगा सकते हो 100 ml का 1 ml करके हर बकरी छोटा बड़ा सारे को 1 ml करके मारता है सिर्फ अच्छा। प्रेग्नेंट को नहीं मार के बाकी सारे को पीपीआर यूज कर सकता है हाँ। तो अभी आपके पास अवेलेबल है किसी को चाहिए तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अभी पास मेरा पास 4 पीस है अवेलेबल 5 लेके आया था मैंने 4 पीस किसी का अगर जरूरत हो पीपीआर का और एफएमडी ये दोनों मेरे पास अवेलेबल है और ईटी भी मिल जाएगा अगर किसी को चाहिए तो 1 वीक के बाद मैंने कॉन्टेक्ट किया ईटी भी मिल जाएगा उसको ईटी भी अवेलेबल करा दूंगा वैक्सीन दीपक जी बकरी को आप कहाँ पर रखते हो रात को रात को दिन को तो मैं घर पे यहाँ बाहर खाते आप देख रहे हो हाँ। और यहाँ और सर आगे बाउंड्री भी दिखा दो इधर हाँ। ऐसे अभी खा रहा है हाँ। ये पत्ता वगैरह खा रहा है हाँ। दिन को इधर ही घूमता है सामने बाउंड्री हाँ। है आगे पीछे हाँ। और रात के लिए फार्म है मेरा फार्म यहाँ पर घर है मतलब घर है इसका तो सोने के रात में आता है आ सकते हो आप यहाँ पर रहने का प्लेस है और यहाँ पर लाइट लगा हुआ है हाँ। गर्मी के लिए लाइट जला देना तो 200 हाँ। पावर का लाइट है क्या 200 वाट का बल्ब आपका तो 4 और 7 लगाया हूँ यहाँ पर भी है हाँ। और चारों तरफ मैंने बाउंड्री क्लोज किया सुबह इसको उठा देता हूँ रात को ऐसे गिरा देता हूँ उसको अच्छा पर्दा गिरा देता हूँ हवा को बंद करने के लिए हाँ हाँ नीचे सब वुड यूज किया है ना काट यूज किया है काट का सर हुडन है सब काट यूज किया हुआ है नीचे और ठंडी मिट्टी का नाम मिलने के लिए हाँ। देख लो अच्छा ऐसे रखना चाहिए बकरी को ये है मतलब ये प्रपोज है हमारा मतलब यहाँ पे बकरी जैसे आप पंजाब में राजस्थान में वो लोग का ड्राई है सूखा है पानी का ह्यूमिडिटी सिस्टम वो लोग का बहुत कम है हमारा में ज्यादा है जमीन में नहीं रखना चाहिए बकरी तब बकरी का बीमार बहुत कम होता है ऊपर हाँ। रखने से के लिए बहुत अच्छा है बकरी के लिए हाँ। बहुत एकदम बीमार से आगे एकदम मेडिसिन का कोई लोड ही नहीं अगर आप बकरी को ऊपर रखोगे ठंडा से बचाओगे हाँ।
दीपक जी, आप ये बकरियों को सेल करना चाहते हो क्या? हाँ, सेल करूंगा अगर किसी को इंटरेस्ट है बकरी पे पालना हाँ। चाहते हैं। ये तो ऐसा नहीं कि मैं पहले ट्रेडिंग करूंगा सोचा था, बट अपने आया रखा अच्छा लगा मुझे। अब नहीं, बहुत कम कोई मतलब चाहता है, अच्छा जिसको इंटरेस्ट है हाँ। उसको नॉलेज भी दे सकता हूँ मैं, कैसे रखो कैसा करो, मतलब आके एक दिन बैठ के समझ के ले जाना चाहता है तो मैं सेल कर दूंगा हाँ। सेल करने के लिए रखा हूँ। प्रेग्नेंट भी है और बच्चा भी है, बच्चा हाँ। का साथ लेना चाहते हो तो बच्चा भी है हाँ। वीडियो में देखा होगा आपने आगे हाँ। ब्रीडर, बड़ा ब्रीडर है, बड़ा ब्रीडर भी सेल करूंगा हाँ। ये सारा सेल करूंगा मैं, सेल करने में अगर ये सेल होने के बाद दूसरा लेके आऊंगा, ऐसा है सेल करने के लिए है मेरा। दीपक जी, आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, किसी को चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, मेडिसिन के लिए भी कांटेक्ट कर सकता है और जो बकरा है सेल करने के लिए उसके लिए भी कॉल कर सकता है, तो आपका कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है जियो का है 8360543766, और एक बार बोल दे रहा हूँ 8360543766। ओके okay. मैं डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, किसी को चाहिए तो आप दीपक जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दीपक जी, हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो कान थोड़ा बड़ा होता है ना, मतलब लंबा होता है, तो उसको ब्रिटेल बोल के मतलब सेल कर देता है, तो हम कैसे पहचाने ये ब्रिटेल है या ये सीरो ही है या गुजरी है? एक तो आइडेंटिटी रहता है ना, आप बता सकते हो गे क्या? हाँ, बता रहा हूँ मैं, अभी आप कैमरा दिखाओ जा। हाँ, ए ब्रीडर में ये देखोगे आप, ए ब्रीडर कौन सा था? सिरोही का है। सिरोही का, ओके, प्योर सिरोही है हाँ। अब सिरोही बोलने से इसका स्पॉट होता ना ये हाँ। रेड एंड ब्लैक ये हाँ। मतलब रेड एंड ब्लैक हाँ। इसका हाइट भी देखना चाहिए, इसका हाँ। हाइट भी अच्छा होता है हाँ। हाइट है इसका, उसका इसका कान थोड़ा लंबा होता है, इतना वो नहीं होता लंबा हाँ। इसका जो ये मेन सींग है ना हाँ। कभी घूमता नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं जाता, इस तरफ सीधा आता है हाँ। एकदम मतलब बैक साइड में जाता है इसका, जो ओरिजिनल सिरोही है हाँ। और बाकी होने से थोड़ा क्रॉस होने से बैंड हो जाता है इसका हाँ। और बॉडी ग्रोथ इसका इतना नहीं करता है, क्रॉस करोगे तो क्रॉस। इसका हाइट कितना है अभी? ये 47 प्लस है, 47 प्लस है, 47 हाइट इसका प्लस है। और कान नॉर्मल लेता है इतने? हाँ, कान में इतना वो नहीं है, आदमी लोग बोलता है यहाँ का बहुत है, नहीं बोलना चाहता हूँ मैं हाँ। बट यहाँ हमारे असम में है कि बीटल बीटल बोल के सेल करता है, बट ओरिजिनल बीटल बोलने से हमारा नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं, मेरा पास भी ये बीटल नहीं है, किसी का पास नहीं है बीटल जो ओरिजिनल है, वो आज तक असम में किसी ने सेल ही नहीं किया। एक बीटल का रेट अगर आप उधर में जाओगे पंजाब में इसको अमृतसर में मिलता है हाँ। इसका जो ओरिजिनल ब्रीड है हाँ। जिसे बीटल बोलता है हाँ। वो वहीं आपको 1,00,000 रुपए से पड़ जाएगा, एक फीमेल लेना चाहोगे तो आप 30-40 किलो का वो हाँ। 1,00,000 का एबोव है, मतलब जो ओरिजिनल ब्रीड है वो मतलब 1,00,000 के एबोव है। नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ओरिजिनल जो है ब्रीड किसी ने अभी तक लेके आया ही नहीं है, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट में है वो सब क्रॉस ब्रीड। अभी मेरा क्रॉस भी अच्छा है, ऐसा नहीं हाँ। कि अभी जो मेरा देखा 50 प्लस है हाँ। और जो ओरिजिनल बीटल होता है वो कम से कम आपका 200 प्लस करेगा हाँ। वो सब वो मीट पर्पस के लिए बहुत कम ही यूज होता है, वो बाहर में कोई मुस्लिम लोग कुर्बानी का टाइम फेस्टिवल में वो करता है, वो जब बहुत हाई रेट में बेचता है जो वही है ओरिजिनल बीटल हाँ। और कम भी क्रॉस वगैरह ही, अब तो ओरिजिनल रहा ही नहीं अब हाँ। पंजाब में भी नहीं रहा, क्योंकि वो लोग क्रॉस एक दूसरे से क्रॉस करा रहा है, राजस्थान से लेके आता है सिरोही का साथ बीटल को क्रॉस करा दिया, बच्चा जल्दी पैदा करो। एक बीटल 1 ईयर में एक ही बार बच्चा देता है, 9 महीने में एक बार बच्चा देता है बीटल जो ओरिजिनल अच्छा। है हाँ। और सिरोही महीने में ईयर में 3 बार देता है। अभी मेरा मैंने रेट दिखाया दे, बच्चा माँ का छोड़ा ही नहीं, प्रेग्नेंट हो गया, आप अच्छा से दिखा सकते इधर आजा, दूध खा रहा देखो, ये दूध खा रहा है, इसका फीमेल है हाँ। बच्चा दूध खा रहा है, देखो प्रेग्नेंट हो गया है हाँ। बकरी का प्रेगनेंसी कितना टाइम का रहता है? ये 3 मंथ में डिलीवरी हो जाता है, अभी ये प्रेगनेंसी होगा 2 महीने में डिलीवरी हो जाएगा इसका। अच्छा, मतलब 3 महीने में डिलीवरी होता है, मतलब एक बार में कितना देता है, एक बार में कितना बच्चा रहता है? 2 दिया था सिरोही, एक ये देखो इधर है, एक है एक इसका, एक फीमेल एक फीमेल था, एक मर गया। अच्छा, एक मर गया, मर गया हाँ, रख अपनी था नहीं घर पे हाँ। तो लड़का ने देखा नहीं तो मर गया, दब के मर गया माँ का नीचे। अच्छा, एक तो भी देता है, वो ब्लैक कलर का दिखाया था उसने, एक दिया था, एक हाँ। ये जो दिखाया था एक दिया इसने, फर्स्ट टाइम एक देता है, सेकंड टाइम में 2 देता है। अच्छा, कोई कोई फर्स्ट टाइम भी 2 दे देता है, वो अपने हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है दीपक जी, जो हमारा न्यू जनरेशन है तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं भी यंग ही हूँ, मैं अभी इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ मैं भी जॉब कर रहा था, मेरा अभी 1993 का है, जुलाई 1 तारीख का मेरा जन्म है। बट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई भी लाइन हो अब, मतलब बैठना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे उसको पंजाब में बेला बोलता है, बेला हाँ। अब आसाम में बेले, बेकार, और आसाम में बेकार बोलता है हाँ। या इन्हें
तो नींबू ने हमेशा बोल के रह के हमारा सरकार के पीछे दौड़ के कोई लाभ नहीं है। कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी करो, घर में बैठो या फार्मिंग में लाइन में करो या कोई भी करो, काम करो, किंतु ऐसे मत बैठो। माँ बाप का पैसा उड़ा के, मैंने भी बहुत उड़ाया पहला ना, मैं भी घूमता था, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है। बड़ा हो गया, कॉलेज आ गया, मेरे हिसाब से कोई बकरी करने से बकरी में इंटरेस्ट है, कोई सुअर करे सुअर में भी अच्छा है, मतलब जहाँ, किंतु कोई भी बोलो, जानकारी इंसान से नॉलेज लेने के बाद ही कोई भी काम चालू करो। मेरे हिसाब से बकरी में बहुत अच्छा है इनकम है, 1 ईयर में मैंने बोला, आप देखो 3 बार बच्चा देता है। एक बकरा आप पता ही, छोटा छोटा बच्चा इन्हीं मिनिमम 10,000 रुपये में बिक जाता है। 3-4 महीना में कितना खाएगा? अगर आप ड्राई फिट यूज ही मत करो, आप पत्ता खिला के भी कर सकते हो। अगर आपका कोई जंगल है, कोई खुला प्लेस है, मीन्स वहाँ पे अगर पत्ता खिला के भी कर सकता है, पत्ता खाने से अच्छा ग्रोथ होता है इसका और बीमार भी कम होता है। ये बोलना चाहता हूँ न्यू जनरेशन को। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।